पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग में विनेश फोगाट की ऐतिहासिक जीत ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह ओलंपिक इतिहास में पहला मौका है जब भारत की महिला पहलवान ने फाइनल में जगह बनाई है। विनेश की इस जीत पर फिल्म जगत के भी कई सितारों ने बधाइयां दे रहे हैं। इन्हीं में शामिल है एक्टर और सांसद कंगना रनौत। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा के इस्नेलिस गुजमैन को 5-0 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का सुनहरा मौका है। इस मौके पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने विनेश की जीत पर तंज कसते हुए उन्हें बधाई दी। कंगना ने लिखा, इंडिया के पहले गोल्ड मेडल के लिए फिंगर क्रॉस। विनेश फोगाट ने एक समय कभी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था जिनमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाने के बाद भी उन्हें यह मौका दिया गया कि वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करे। उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग, कोच और सुविधाएं मिली। यही लोकतंत्र और एक महान नेता की खूबसूरती है। फोगाट का फाइनल तक का सफर बहुत ही निराला था। अपने पहले मुकाबले में उन्होंने दुनिया की नंबर एक और डिफेंडिंग चैंपियन जापान की युई सुशाकी पर शानदार जीत हासिल की। सुशाकी टोक्यो 2020 खेलों के बाद से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कभी नहीं हारी थी। लेकिन यहाँ वो ऐतिहासिक लोटफेयर में फोगाट से हार गई। इसके बाद फोगाट ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन के ओक्साना लिवाज को मामूली अंतर से हराकर आगे कदम बढ़ाया। ऐसी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए वह टॉक को सब्सक्राइब करें।